यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे हम सिविक्स का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी हमने इससे पहले पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में नेशनल पार्टीज़ होती है, कुछ रीजनल पार्टीज़ होती हैं, और इन सब को करने के बाद हम पढ़ रहे हैं कि पार्टीज़ तो हैं लेकिन इनके बीच में चैलेंज कहाँ आ रहे हैं, इनको चुनौतियाँ कहाँ मिल रही हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पार्टी कर रही है और उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब पार्टी के बारे में अगर हम चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वी हैव सीन हाउ, यहाँ से कर रहे हैं, वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लिए क्या, डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक विजिबल थिंग है, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, दिखाई देने वाली चीज़ है, क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई देती रहती हैं कि वो क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं, काम उनका दिखाई देता रहता है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ वो कह रहे हैं कि एक हमारा ये विचार भी है सभी का कि लोग कुछ भी गलत हो, कहीं भी डेमोक्रेसी में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका पूरा ब्लेम लोग किस पे लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लगाते हैं। आगे वो कह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सपेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीति के जो दल हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करती, और अपने यहाँ भी डेमोक्रेसी के साथ भी यही बात हो रही है कि हमें भी यही लगता है कि लोग जो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना काम ठीक ठाक से नहीं कर रही हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसमें, वो आगे कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में 4 बातें हम बता सकते हैं जिनसे पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम काज में किस तरह से दिक्कत आ रही है, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4 ऐसी बातें हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ठीक ठाक से नहीं चल रहा, वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरह से ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है किसके लिए, कि उसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक तरह से बनाना चाहिए जो इन चैलेंजेस को फेस कर सके, इन चैलेंजेस को क्रॉस कर सके, जो 4 चैलेंज ये बताने वाले हैं। अब 4 चैलेंज में सबसे पहला जो चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज, वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब एकदम फ्री होना, ठीक है, और इंटरनल मतलब अंदर, यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी सब कुछ फ्री नहीं होता। आप इसमें ना ये पिक्चर देख के देख सकते हैं कि ये जो है, आप ये मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता है, कोई बड़ा हेड है, बीजेपी का मान लो, हम इसे अमित शाह मान लेते हैं, ठीक है, बीजेपी का नेता मान लेते हैं अमित शाह, और ये जो नीचे हैं ये सब इसके मेंबर्स हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो इसने अपने हाथ में रस्सियाँ बांधी है और ये नीचे वाले इसकी पपेट का काम कर रहे हैं, इसकी कठपुतली का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कि जो कुछ पावरफुल लोग होते हैं, कुछ पावरफुल लीडर जो होते हैं या जो टॉप लीडर होते हैं, वही अपना पूरा का पूरा हक पॉलिटिकल पार्टी में जमा कर रखते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की जो पावर होती है वो कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाती है, बाकी लोग खाली ही रह जाते हैं। ठीक है, और बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में रेगुलर रूप से ना, मतलब रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन यानी मीटिंग्स भी नहीं होती, अगर मीटिंग होए तो उनकी कंप्लेन वगैरह हो या कोई और बातें सामने आए, तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टी में रेगुलर मीटिंग ऑर्गेनाइज भी नहीं होती है। और वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर होते हैं ना, वो आपस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी शेयर नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आपस में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी शेयर नहीं करते हैं। और आगे इन्होंने कहा है कि
they do not have the means or the they do not have the means or the connection needed to influence the decision. As a result, the leaders assume greater power to the make decision in the name of the party. उनका मानना ये है कि उनके पास जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कुछ भी काम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो रहा है, उनके पास ना तो अब अगर मैं इसको सिंगल ही लैंग्वेज में अगर इस फोर्थ पॉइंट को समझाना चाहूँ तो मैं इसके लिए एक चीज़ रख रही हूँ, वो ये कि आप यहाँ से इस लाइन को ढंग से पढ़िएगा. कंजर्वेशन पार्टीज इज न ब्रिटेन इज़ वेरी लिटल. अच्छा, यहाँ से दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल आस्पेक्ट बट दे एग्री फॉर मोर फंडामेंटल आस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री टू द डिफरेंस अमंग ऑल ओवर द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड दोज हु वॉन्ट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू दैम समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. इन जो मैंने बात बताई है ना, इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. वो कह रहे हैं कि आजकल का जो मुद्दा है, आजकल जो सिस्टम चल रहा है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सेम मुद्दे उतार रही है. हम सड़कें बनवाएंगे, हम लाइटें लगवाएंगे, हम बिजली की व्यवस्था करवा देंगे, हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, हम गरीबी ख़त्म कर देंगे. तो सारी पॉलिटिकल पार्टी लगभग सेम सेम बातें कह रही हैं, लेकिन अपने देश में सारी पार्टी जो इकोनॉमिक लेवल है यानी आर्थिक जो चीज़ें उठ रही हैं उन पर भी अंतर बहुत कम रह गया है. यानी कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जैसा पैसा खर्च कर रही हैं, एक जैसा प्रचार कर रही हैं, तो इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ज़्यादा जो है वो प्रेशर आ गया है. ठीक है, वो कह रहे हैं जो लोग अपनी मतलब अपने प्रोग्राम्स अलग चाहते हैं उनके लिए कोई हो सकता है कि कुछ लोग उन दोनों पार्टीज़ में से किसी को वोट ना देना चाहते हों, कुछ अलग ही लीडर चाहते हों, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक ऑप्शन बन गया है. ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको आ गया होगा. चारों पॉइंट एक बार दोबारा बता देती हूँ. पहला था चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी में, पहला था कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक जो डेमोक्रेसी है उसकी कमी है. सेकंड अगर मैं चैलेंज बताऊँ तो सेकंड चैलेंज था कि सक्सेशन और डायनेस्टिक यानी वंशवाद की परंपरा चली आ रही है पॉलिटिकल पार्टी में भी. तीसरा अगर मैं आपको बताऊँ तो तीसरा था मनी एंड मसल पावर. अब चौथा जो है वो है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर. अब अगर हम देखते हैं तो मैंने चारों आपको बता दिए कि चार जो हैं चैलेंज हैं, मेजर चैलेंज हैं वो चार हैं पॉलिटिकल पार्टी के आगे. पहला चैलेंज वो बता चुके हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी आंतरिक जो डेमोक्रेसी है उसकी कमी होती है. दूसरा बता चुके हैं कि सक्सेशन और डायनेस्टिक होना चाहिए यानी कि होना नहीं चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर लोग सक्सेशन या